हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या। अब आप मेरे को अन अकेडमी ऐप और अन अकेडमी की साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है। अब आप मेरे को अन अकेडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स, और आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस रेडियस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे जेट्स और गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा जेट्स 2015 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन हमारा गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें हमको वो स्टेबल न्यूक्लियस बताना है जिसकी रेडियस 1/3 है इस न्यूक्लियस से। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी, मीन्स इन ऑप्शन में से वो कौन सा स्टेबल न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस 1/3 है इस न्यूक्लियस से। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम हमारे पास ये है V इज इक्वल टू 4/3 πr³। तब हमको इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम बताना है। तो अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमको वो स्टेबल न्यूक्लियस फाइंड करना है जिसकी रेडियस 1/3 है इस न्यूक्लियस की रेडियस से। तो हम सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं मास नंबर में और रेडियस में। तो हम जानते हैं वी नो डेट रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड न्यूक्लियस रेडियस वो होता है हमारे पास आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है रेडियस में और मास नंबर में। यहाँ पे आर है रेडियस और ए क्या है हमारा मास नंबर। अब हम उस स्टेबल न्यूक्लियस की रेडियस को आर एस मान लेते हैं। तो हमने मान लिया रेडियस ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस इज आर एस। यहाँ पे जो एस है इसका मतलब है स्टेबल न्यूक्लियस। तो स्टेबल न्यूक्लियस की रेडियस हमने मान ली आर एस, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्टेबल न्यूक्लियस की रेडियस है वो 1/3 है इस न्यूक्लियस की रेडियस की, यानी कि 1/3 इज आर एस इज इक्वल टू 1/3 आर ओ एस। अब हमारे पास मास नंबर है इस वाले न्यूक्लियस का, तो मास नंबर ए ओ एस इज इक्वल टू कितना है 189। अब हम स्टेबल न्यूक्लियस का मास मान लेते हैं, तो लेट मास नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज इक्वल टू ए एस। यहाँ पे S का मतलब है स्टेबल न्यूक्लियस। अब हमारे पास रिलेशन होता है R प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाता है हमारे पास R नॉट। तो R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। तो अब हमको रिलेशन, अब हमको इसका फाइंड करना है रेडियस, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे आर एस अपॉन आर ओ एस इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर नॉट ए एस की पावर 1/3 और ए एस की पावर 1/3। अब इस आर नॉट से ये आर नॉट हमारा कैंसिल हो गया, इस आर नॉट से ये आर नॉट कैंसिल हो गया। अब इस आर एस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इस आर एस की वैल्यू कितनी थी 1/3 आर ओ एस, तो हमने यहाँ पे लगा दी। अब इस आर ओ एस से ये आर ओ एस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/3 इज इक्वल टू ए एस की पावर 1/3 अपॉन 189 की पावर 1/3। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस 3 को हम इधर ले गए। अब ये 3 है, हम इसको क्यूब रूट के अंदर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 27। मैं इस 3 को इसके अंदर लेके आ गया हूं, तो ये कितना बन जाएगा 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3। और इसका तो हम इसको, अब इसकी पावर देखिए इक्वल है, यह हमारे पास 1/3 या हमारे पास 1/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 189 इज इक्वल टू 27 ए एस। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया मास नंबर, मींस जो जिसका मास नंबर 7 है वही हमारा क्या है स्टेबल न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है कितना है ए, तो ए बी द राइट आंसर। अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन में हमको ऑक्सीजन एटम दिया हुआ था जिसका वॉल्यूम था V इज इक्वल टू 4/3 πr³ और इसका मास नंबर होता है 16। अब हमको अपना इसका वॉल्यूम फाइंड करना था जियोन एटम का। तो अब हम जानते हैं वी नॉट डेट रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस वो होता है हमारे पास आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर नॉट, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट ए की पावर 1/3। तो गिवन डेट हमको क्या दिया हुआ है वी इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो
अब हमने इसको यहां लिख लिया। अब हम वॉल्यूम को मास नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस आर की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा। ये हमारे पास आर की वैल्यू थी, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम मास नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाएगा वी ओ एक्स, इस ओ एक्स का मतलब है ऑक्सीजन एटम। तो ये वॉल्यूम है हमारे पास ऑक्सीजन एटम का, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आ गया। अब हमारे पास मास नंबर है ऑक्सीजन एटम का ओ इज इक्वल टू 16, ये मास नंबर है जियोन एटम का 128। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना था, तो हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ जियोन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आ जाएगा। अब देखिए इससे ये हमारा सारा कांस्टेंट है, तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, मास नंबर ऑफ जियोन एटम मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मास नंबर कितना था हमारे पास 128 और इसका मास नंबर था 16, तो ये आ गया 128 अपॉन 16 और 16 एट जा कितना होता है 128, हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया है। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया जियोन एटम का वो 8 टाइम्स होता है ऑक्सीजन एटम के। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या था ए, तो ए बी द राइट आंसर। तो ये था आज के हमारे क्वेश्चन, आज हमने दो क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन हमारा जेट्स का था, दूसरा क्वेश्चन हमारा गेट का था। थैंक यू।